वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। राहुल गांधी और उनके परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा है कि राहुल और उनके परिवार ने जनता को च्युइंगम की तरह चबाया और थूक दिया। उन्होंने कहा कि इनको पता नहीं है कि देश में कितना विकास हुआ, इनको दिखेगा नहीं। परिवार की टॉफी से पब्लिक माफी नहीं देने वाली है, तो अगर उनको लगता है कि परिवार की टॉफी दिखा करके और पब्लिक से माफी ले लेंगे, तो उन्हें हिसाब देना होगा कि कितने दशकों तक उस क्षेत्र के लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया, च्युइंगम की तरह उसका इस्तेमाल किया, चबाया और चलता बनाया है, ये काम किया। तो इसलिए पहले तो हिसाब दो, फिर उसके बाद आप तो मालिक हो, आप जहाँ से चाहो लड़ो, लेकिन जनता जो है वो लड़ने पे नहीं, आपको कहाँ से भिड़ाएगी वो देखिएगा आप। सुना आपने नकवी का, गांधी परिवार पर बड़ा हमला, राहुल गांधी और उनके परिवार पर निशाना साधा गया है और किस तरह से उनका जो बयान सामने आया कि जनता को च्युइंगम की तरह चबाया है, ये बयान नकवी का। वो चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब झूठ नहीं, जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपये किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपये किलो चीनी ले लो, तो 13 रुपये वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि 13 रुपये वाली चीनी है कहाँ, कौन खा गया उसको, स्मृति ईरानी जी खा गई, योगी जी खा गए कि मोदी जी खा गए, कहाँ खा गए वो लोग। तो वो जनता को एक वहाँ धक्का लगा है कि यार राहुल जी तो ये सब बात कभी कहा नहीं उन्होंने, गांधी परिवार ने तो कहा नहीं, जो कहा नहीं उसे कर दिया, और ये कहकर भी अपने बात से मुकर गई। Zee News.